मोती दरवाजे के साकिन सैयद हाशमी, सैयद सिराज, सैयद साजिद, सैयद रियाज और सैयद रहमत ने मिलकर अपने भाभी के घर जाकर जो खादर बाग में वाक़ वहां पर गाली गलौज की। उनके भाभी का कहना है कि शादी होकर 20 साल हो गए हैं, अब तक इनको ससुराल वालों की तरफ से हिरासा किया जा रहा और 3 साल से कुछ ज़्यादा ही हिरासा किया जा रहा। खातून का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता रात भी घर पर आकर उनके ससुराल वालों ने गाली गलौज की और बताया कि वे उन्हें धमकी दे रहे हैं कि वो रॉडी शीटर हैं। खातून ने हुकूमत से इंसाफ करने का मुतालबा किया और कहा कि उनको और उनके भाइयों को उनके ससुराल से खतरा है। कैसा है ये रहा? ये हमारे बहन के नान के बेटे। हाँ, इससे पहले भी दो बार आए थे। तो वीडियो ले रहा भाई, वो वीडियो अरे वीडियो अरे लियो जी नहीं नहीं कुछ आप कर रहे हैं, आप अपना काम करो। 3 दिन हुआ जेल से आके। हाँ हाँ जी, अच्छा अच्छा, साफ रोडी सीट रहा ऊपर है मेरे ऊपर। बात ना को करो भेजो भाई, तुम भाई गिरी ले ले बाप, ले लिया अंकल, परेशान मत को तुम। झगड़ा बढ़ा रहे थे तुम बीच में साइकू जी। अरे जाओ भाई, ऐसा कह रहे ना, बोलो माफी चाह रहे, बोल रहे चलो मिलेंगे। मैं नूरुनिसा बात कर रही हूँ, मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट से और पुलिस से यही गुजारिश है कि जो है ना, ये मेरे ससुराल वाले, मेरे सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेरे ससुराल वाले हैं, जैसा मेरे साथ ननन के लड़के हैं, जेठ का बच्चा है, जेठ है, ये लोग जो है मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। मैं आज तक भी बर्दाश्त कर लेती, मेरी शादी होकर आज 20 साल हो रहा, मैं बहुत बर्दाश्त करी, बट आज जो है ना खामोशी इख्तियारी करूँगी बोले तो भी जो है ना, ये लोग घर के पास आके, मेरे पेरेंट्स के घर पे, मेरे अम्मी अब्बा के घर पे आके जो है नॉक करके बाहर निकलो ऐसा ऐसा बोल के। इसका वीडियो है मेरे पास, ठीक है ना। ये किस वजह से कर रहे हैं ये लोग जो है ब्लैक में, घर पे आ रहे, कुछ डाल दे रहे, ये करे बोल तो लोग मान रहे ना ये बात। क्या डाल दे रहे हैं? जैसा कि भिलावे डाले एक बार, एक कपड़े पे जो है सुइयां चुबा के डाल दिए। अब कल की बात है, मेरे बेड पे जो है आके जो है राई डाल के चले गया। वो आया, उसकी नानी की तबीयत ख़राब है बोल के आया, आके जो है ये हरकत करके गया हूँ। कितने साल से ये 2-3 साल से ही हो रहा है, उससे पहले कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और इतना हरासमेंट है, इस हरासमेंट में अगर मेरे भाई लोग को भी, 3 भाई है मेरे, उनको भी जो है टॉर्चरनेस हो रहा है। और मेरे को जो है ना आज से कल से नहीं, 1.5-2 महीने से जो है ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं, आज भी ब्लैंक कॉल्स आए, मैं नहीं उठा रही हूँ, फिर भी जो है बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। और मैं जो है ना पीएस में कंप्लेन कर चुकी हूँ, लंगर हाउस पीएस में। क्या बोले पीएस में? पीएस में जो है एक्शन ले रहे होंगे, ठीक है ना, लेंगे इंशाल्लाह। अब तक लोगों कितने बार जो है तो यहाँ पर आके आप लोगों के ऊपर लंगर नहीं, अब कल नाइट से ही कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे, क्या कहना, तुम लोगों को उठा लेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, गालम गलौज कर रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, ये जो है ये बर्दाश्त नहीं होके मैं पीएस में जो है ये करी हूँ। और जो है ये मेरा भांजा हाशम, ठीक है ना, ननन का लड़का, ये बोल रहा है कि मैं पीएस, क्या बोलते हैं, मैं रॉडी शीटर्स का हूँ, वो हूँ, ऐसा कर दूंगा तुम्हारे भाई लोग को, ऐसा कर दूंगा। और जो है कुछ नाम बता सकते हैं ऐसा जो बोले रॉडी शीटर हूँ मैं पीएस में जो है ऐसा? हाशम खान फसलांसर में रहते हैं, ठीक है। फोटो वगैरह है आपके पास? हाँ है मेरे पास फोटो, ये हाशम खान है जो चेक्स के शर्ट पे है, चेक्स के शर्ट पे है, सो हाशम खान है। ये सैयद सिराज है जो कि जो है ना मेरे को बार बार जो है टॉर्चर कर रहा है, नहीं अब 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। मेरे को कुछ बोलते बोलते मेरे भाइयों के पास आया, उसको लड़ाई करना है तो मुझसे करो, बोलो
जिससे करना है उससे फाइट करो, बोलो उसको। ये जो है सैयद सिराज है, ठीक है ना, इन्हों भी बोल रहे बहुत गलत जगह हाथ डाले मामी बोल के बोल रहे हूँ। ये कौन बोल रहे, क्या नाम है इनका? सैयद सिराज है। क्या है इनका बोलना? हाँ, बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया आप, ठीक है ना, बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया आप, बहुत बुरा होगा हमारा बोल के ऐसा हम पे धमकियाँ दे रहे। और क्या बोल के धमकियाँ दे रहे आपको? वही बहुत गलत जगह हाथ डाले, ठीक है। ये जो है ना हाशिम खान है, इनू बोल रहे हैं मामी तेरे भाइयाँ जो है ना बहुत गलत जगह पे हाथ डाले, इनका काम करना है मेरे को, और मैं जो है ना पीएस में जो है और इनका वीडियो भी लेके रखी हूँ मैं, ठीक है, या चौरस्ते पे उन्होंने धक्का भी मारे मेरे। आपको? हाँ। इससे कोई आपके पास एविडेंस है जो धक्का मारे है? है, मेरे पास है सब कुछ है, ठीक है ना, मैं सब मीडिया को बताऊँगी। और पीएस में क्या बोलते फाइल केस दर्ज करने के बावजूद भी वो लोग मेरे को जो है ना कॉल्स कर रहे बार बार। क्या बोल रहे हैं कॉल्स कर रहे हैं? मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ, मैं क्योंकि मेरे को पीएस वाले बोले कि आप फ़ोन रिसीव नहीं करना, जब रिसीव कर रही हूँ तो आवाज़ नहीं कर रहे। ठीक है, आपको ये आपके हस्बैंड को ये सब मालूम है इंटीमेशन से? हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड को इंटीमेशन। क्या कहना है? उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है ना, वैसा कुछ नहीं बोल रहे। अब आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? मैं हुकूमत से सिर्फ जो है इसका जो भी है ब्लैक मैजिक है इसके बारे में स्टेप उठाओ बोल रही हूँ। और ये जो लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे, आज टॉर्चर कर रहे कल इनसे मेरे को कोई नुकसान होगा, या मेरे भाई बहन को या मेरे माँ बाप को अगर कुछ नुकसान होगा तो इसके ज़िम्मेदार पुलिस वाले हैं या फिर हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत, ये लोग ही होंगे, ठीक है ना। आपसे मेरी गुजारिश यही है कि जो है इन लोग के पीछे सख्त सख्त एक्शन ले, और अगर खुदा ना खास्ता मेरे भाई लोग, मुझे, मेरे बच्चों को अगर कुछ हो जाएगा ना, ये इसके ज़िम्मेदार पुलिस होंगी और हुकूमत होंगी, बस। आप पीएस में कंप्लेंट दे चुके? हाँ, मैं पीएस में कंप्लेंट दे चुकी हूँ, एक्नॉलेजमेंट मेरे पास है घर पे। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे चाचा दा बहन है ये, जिनके ससुराल में जो है तकरीबन 20 साल हुआ शादी होके, 20 साल से कुछ ना कुछ किस्म का टॉर्चर चल रहा था। अब हमारे बहनोई साहब जो है बाहर है 3 साल से, उनके घर पे तकलीफ़ हो रही थी उनको, तो हम वो घर से लेके खाली करके ओन घर से दाती घर से हमारे मकान पे लाके यहाँ पर रखे। यहाँ पर भी उनको चैन से रहने नहीं दे रही, किसी ना किसी तरीके से कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह या दूसरी कोई चीज़ से भी हमेशा डिस्टर्बेंस कर रहे हो। कल उनको आने के लिए मना करके, हमारे भाई जो है चचेरे भाई उनको मना कर दिए थे घर से जाने के लिए बोले, इसकी बुनियाद पर सवेरे उन्होंने आके अचानक घर पर अटैक कर दिए हैं, घर के ऊपर अटैक करके अभी हमको धमकी से बोल रहे हैं मेरा फलानी जगह रॉडी शूटर है, फलानी जगह रॉडी शूटर है, हम तुम्हारी जान ले लूँगा, फलाना ले लूँगा बोल के। उनका नाम हाशिम है, सिराज है, और चंद नामा मेरे को वफियत नहीं है नामों से, चार भाइयाँ हैं लोग। जितने भी अटैक करना, आप लोग कितने जने हो सकते हो? वो हो सकते पाँच छः लोग हो सकते हो, जिसमें से सिराज का नाम मालूम है और हाशिम का नाम मालूम है, दूसरे कौन है, नामों से वफियत नहीं है हमको, और लोग मोती दरवाजे में रहते हो लोग। ये फर्स्ट टाइम अटैक हुआ है, इससे पहले भी आपको? ये फर्स्ट टाइम अटैक करे लोग अचानक आके, स्कॉर्पियो में आए थे। किसी का जाने जाने नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बड़े जो है कॉपरेट कर लिए हमको, और एरिया पीएस में भी हम कंप्लेंट करे हैं जाके, एरिया पीएस की पीएस का भी ताउन मिला हम लोग को, लेकिन आगे लोग से जान से खतरा है हमारे भाइयों को, हम लोगों को, और ज़बरदस्ती अननेसरी हमारी बहन की ज़िंदगी में लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। ये डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे हैं हमको खुद इसकी वजह इनकी नहीं मालूम हमारे को, क्योंकि कई बार उनको मना कर चुके हैं, हम घर को आने के लिए भी मना करें, जबकि हमारे भौनी साहब भी घर पर नहीं है। ये बच्चे को घर पर आने की वजह क्या है इसकी बुनियाद पर समझाए बच्चे को रात में, लेकिन बच्चा रात में चले गया खामोश, फिर सवेरे आके अचानक घर पे अटैक कर दिया। अच्छा हुआ हमारे बड़े थे कॉपरेट करे, वरना किसी ना किसी का जानी नुकसान होने के चांसेस थे। ये करने की आपको, ये सब लोग कर रहे हैं, इसकी वजह कुछ बोल सकते हैं आप? इसकी वजह बिल्कुल हमको वफियत नहीं है, इसके मतलब कुछ जायदाद के लिए कर रहे हैं ये, कुछ जमीन जायदाद हमारे मांग कर रहे हैं क्या आपसे? और घर के लिए कुछ डिस्टर्बेंस है लोगों का? अब घर में जो है, अब जो भी घर है वो हमारे भौने साहब लोगों का घर है, वो घर के अंदर उनकी क्या नीयत है क्या है वो चीज़ से हमको बिल्कुल इल्म नहीं है, वो लोग खुल के जाहिर भी नहीं कर रहे हमारे सामने, लेकिन उनका क्योंकि फैमिली मैटर है उनका बोल के हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, क्योंकि ससुराल का मसला है वो बोल के हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और बहुत दिनों तक हम सबर करें कोई चीज़ पे भी उनके देखते हुए, बच्चा आके रेड हैंड पर्सन कल राया दारा खुद दारा हर तरीके से, यानी कि इंसान को मेंटली टॉर्चर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से हम लोग कुछ अब तक ससुराल का मसला है बोल के खामोश बैठे, लेकिन आज जान पे बात आ गई हमारी, जिसकी वजह से हम एरिया पीएस में भी कंप्लेंट करें। कौन सा एरिया पीएस है? एरिया पीएस लंगड़ो से। तो क्या रिस्पांस है आपको पीएस? अल्हम्दुलिल्लाह पीएस में रिस्पांस अच्छा आया, सर्कल साहब अच्छा ताउन करे, कहीं गलत की पहचान करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को वार्निंग दे के भी जाए, और अभी भी आगे भी हमारे खास तौर पर कमिश्नर साहब से, तेलंगाना गवर्नमेंट से जो है, और हमारी हुकूमत ये है ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे,
क्योंकि आए दिन कई मर्डर कई कत्ल हो रहे हैं, इसकी बुनियाद पे हमको एक खौफ एक दहशत का माहौल हमारे घर में हो चुका है। हमारे वाले चाचा जो है बीपी शुगर पेशेंट है, उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है टेंशन की वजह से। इसकी वजह से जो है आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें ऐसे लोग के ऊपर, और खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं हम फलाने रॉडी शीटर थे, फलाने इतने केसेस थे हमारे। क्या है आपके पास एविडेंस ऐसा बोल रहे हैं? अब वीडियो है हमारे पास, वीडियो क्लिप है हमारे कहने, वीडियो लिए हम लोग सवेरे जो है बस्ती के लोग चंदे के, हमको वीडियो दिए, वीडियो हमला करें है इसका। तो